नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंदौर में H3N2 के दो संदिग्ध मरीज मिले। दो संदिग्ध मरीजों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन चिंता बढ़ गई है। तो इंदौर में पहली बार सी कैटेगरी के मरीज सामने आए हैं। इन्फ्लुएंजा के लक्षण भी कोरोना की तरह ही बताए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इंदौर में पहली बार सी कैटेगरी के मरीज सामने आए हैं, यानी कि ये पहला मौका है, पहली दफा सी कैटेगरी के मरीज सामने आए हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े कर देने वाली ये खबर है। H3N2 के दो संदिग्ध मरीज मिले हैं और दोनों संदिग्ध मरीजों के सैंपल भोपाल भेज दिए गए हैं जांच के लिए फिलहाल, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं इस खबर से जरूर बढ़ गई होंगी, जरूर अलर्ट में आ गया होगा स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि यह पहली दफा है जब सी कैटेगरी के मरीज सामने आए हैं, यानी कि यह बहुत ही बड़ी खबर है। H3N2 के दो संदिग्ध मरीज मिले हैं, दो संदिग्ध मरीज जिनके सैंपल राजधानी भोपाल भेज दिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है इस खबर ने। इंदौर में पहली बार सी कैटेगरी के मरीज सामने आए हैं, पहला मौका है जब सी कैटेगरी के मरीज सामने आए हों। तो H3N2 के दो संदिग्ध मरीज मिले हैं जिनके सैंपल्स राजधानी भोपाल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो देश में कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और हमने देखा था बीते हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसके बाद तमाम राज्यों को भी आदेश जारी कर दिए गए थे कि पूरी तरह से आप सतर्कता बरतें। तमाम स्वास्थ्य महकमों को ये जानकारी इत्तला कर दी गई थी। अब इंदौर से बड़ी खबर निकल कर जो सामने आ रही है कि दो संदिग्ध मरीजों के सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। हमारे साथ संवाददाता नाज इस खबर पर जुड़ चुकी हैं। जी नाज, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी विवेक, इंदौर जिस तरह से कोरोना की दो लहर थी उसमें हॉट स्पॉट बना हुआ था, और लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये भी अलर्ट जारी किया जा रहा है कि जो H3N2 इन्फ्लुएंजा फैला हुआ है उसको लेकर जागरूक रहे हैं। बहरहाल दो संदिग्ध मरीज स्वास्थ्य विभाग को मिले हैं, जो जो कि एक 51 वर्षीय है, दूसरे की उम्र 61 वर्षीय है। दोनों अभी होम आइसोलेशन में, जो सिम्टम्स है H3N2 इन्फ्लुएंजा के वही उनको दिख रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए दोनों के ही सैंपल अभी भोपाल भेज दिए हैं। बहरहाल रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा हो पाएगा कि दोनों जो संदिग्ध मरीज है वो H3N2 इन्फ्लुएंजा के है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंदौर में देखा जा रहा है कि लगातार लोगों को जागरूक करने के बाद भी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं, किसी तरह का कोई डिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही मास्क का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए अभी बेहद जरूरी है कि मौसम जिस तरह से लगातार बदलाव हो रहे उसको देखते हुए जरूरी है कि जागरूक और सतर्क रहे। बहरहाल इन लोगों की किसी तरह की कोई यात्रा की अभी हिस्ट्री नहीं मिली है, दोनों ही जो है बुजुर्ग है। बिल्कुल नाज, मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा था पहली दफा जब इंदौर में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे थे और प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज भी वहीं से सामने आए थे, और फिलहाल जो आप बात बता रही हैं कि किसी भी तरह का यहाँ पर डिस्टेंस फॉलो नहीं किया जा रहा है जो सार्वजनिक जगहों पर करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ कार्रवाई कवायद नजर आ रही है, या स्वास्थ्य विभाग अभी वेट एंड वॉच की भूमिका में है? बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि इंदौर कोरोना की लहर में हॉट स्पॉट बना हुआ था, और अभी केंद्र सरकार ने भी जो गाइडलाइन जारी की है उसमें यही कहा गया है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना बेहद जरूरी है। कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर की हम बात कर रहे हैं तो इंदौर में स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर लोगों को जागरूक रहने की बात कर रहा है और गाइडलाइन पालन करने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों में अब कोरोना का जो एक खौफ या डर था वो यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है, और लगातार जो इंदौर वासी एक बार फिर से बेखौफ होकर कोरोना की गाइडलाइन का या इन्फ्लुएंजा का या जो मौसमी बीमारी है वायरल है
उसके प्रति काफी कह सकते हैं कि सजग नहीं है और लगातार नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। और बेहद जरूरी है कि लोग सजग रहे, अन्यथा एक बार फिर से कहीं दोबारा लोग इस वायरस की चपेट में ना आ जाए। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। अब ये बहुत जरूरी होगा कि लोग सतर्कता जरूर बरते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी ओर से कवायद कर रहा है। आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।